लेट्स लर्न कनेक्टर्स एंड इट्स यूसेज। आज हम कनेक्टर्स के बारे में और उसके यूसेज के बारे में लर्न करते हैं कि वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ओके, पहले तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स, सिमिलर कनेक्टर्स एंड कंट्रास्टिंग कनेक्टर्स। अब सिमिलर कनेक्टर्स और कंट्रास्टिंग कनेक्टर्स में क्या डिफरेंस है? तो सिमिलर कनेक्टर का मतलब होता है जब हम कोई बात कर रहे होते हैं तो उसमें सेम आइडियाज आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, वेल एक्सरसाइज मेक्स अस फिट, मोर ओवर इट ऑल्सो मेक्स अस एक्टिव। तो सेम कनेक्टर आ गया, एक्सरसाइज हमें फिटनेस भी देती है और हमें एक्टिव भी बनाती है। बट जब हमें ऑपोजिट आइडिया की बात करनी होती है, वी यूज कंट्रास्टिंग कनेक्टर्स। अब कंट्रास्टिंग कनेक्टर्स की एग्जाम्पल, एक्सरसाइज मेक्स मी फिट बट आई एम ऑल्सो गेनिंग वेट। एक्सरसाइज मेक्स मी फिट बट या हाउ एवर आई एम ऑल्सो गेनिंग वेट। तो ये क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया। एक्सरसाइज से मुझे फिटनेस तो आ रही है बट मैं वेट गेन कर रही हूँ, बट पर। सो देन वी यूज कंट्रास्टिंग कनेक्टर्स। ओके, हम देखते हैं सिमिलर कनेक्टर्स में कौन कौन से कनेक्टर्स आते हैं और हम उसको यूज करना शुरू करेंगे। ओके, फर्स्ट इज लाइकवाइज सिमिलरली। जब हमें सेम चीज की आगे ही बात करनी होती है, मतलब सिमिलर चीजों की बात करनी होती है, वी यूज दीज कनेक्टर्स। देन इन एडिशन, टू एड ऑन, बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम दिस, मोर ओवर, फर्दर मोर एंड मूविंग फर्दर। जैसे आई वॉज डांसिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस आई वॉज ऑल्सो ईटिंग लॉट ऑफ डिलीशियस फूड। मतलब ये इंजॉयमेंट की बातें हो रही है, बट अगर उसी इंजॉयमेंट में डिसअपॉइंटमेंट आ जाए तो हम उस डिसअपॉइंटमेंट में कंट्रास्टिंग कनेक्टर यूज करेंगे। अच्छा, एक कनेक्टर रह गया विच इज टू टॉप इट ऑल। टॉप इट ऑल होता है जब हम किसी चीज को एंड कर रहे हैं, मतलब हम अच्छी बातें कर रहे हैं तो टॉप इट ऑल बोल के अच्छी बात पे एंड कर देंगे। अगर हम बुरी बातें बोल रहे हैं तो टॉप इट ऑल पे बोल के बुरी बात को एंड कर देंगे। जैसे इसका मतलब है टू एड ऑन फाइनल थिंग, पूरी फाइनल थिंग जो हुई है। फॉर एग्जाम्पल, शी कम लेट इन टू पार्टी, पहले तो वो पार्टी में लेट आई। शोड एटीट्यूड, फिर एटीट्यूड भी दिखा रही है, एंड करते हैं टू टॉप इट ऑल गॉट रियली ड्रंक। अब मैंने एंड किससे किया? जो बुरी बात मैंने शुरू की थी। सो देयर वी यूज टू टॉप इट ऑल। अब कंट्रास्टिंग कनेक्टर की बात करते हैं। कंट्रास्टिंग कनेक्टर होते हैं नेवरदलेस, नॉनदलेस, नॉट विद स्टैंडिंग और हाउएवर, बट ऑल्दो, इन कंट्रास्ट, कंट्रास्टिंगली। इसके अलावा दो तरीके के और कनेक्टर्स होते हैं। ऑन द वन हैंड, जब हमें दो पहलू की बातें करनी होती हैं, जैसे ऑन द वन हैंड इंटरनेट तो बहुत अच्छा है बट ऑन द अदर हैंड इंटरनेट बहुत बुरा है। तो दो पहलू की बातें हैं, इंटरनेट अच्छा है, ऑन द अदर हैंड इंटरनेट बुरा है। इसी के जैसे कनेक्टर है ऑन द वन साइड, ऑन द फ्लिप साइड। ऑन द वन साइड इंटरनेट तो बहुत अच्छा है बट ऑन द फ्लिप साइड इंटरनेट बहुत बुरा है। अब ऑन द अदर हैंड या ऑन द फ्लिप साइड को हम अदर स्कूल ऑफ थॉट्स भी बोल सकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इंटरनेट बहुत अच्छा है, अदर स्कूल ऑफ थॉट्स बोलता है कि इंटरनेट बहुत बुरा है। सो दिस इज हाउ वी यूज सिमिलर कनेक्टर्स, कंट्रास्टिंग कनेक्टर्स। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू एड ऑन कि बहुत सारे कनेक्टर्स मत यूज करो। अगर आप बहुत सारे कनेक्टर्स यूज करोगे ना तो भी आपकी स्पीकिंग या राइटिंग बहुत बुरी लगेगी। कनेक्टर्स उतने ही यूज करो जितनी उसकी जरूरत है। एंड इफ यू फाइंड द वीडियो इंफॉर्मेशनल, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।